गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बस कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि अब आरआरबी एग्जाम के लिए अप्रोक्स एक मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो जो लोग ने भी आरआरबी का की तैयारी कर रहे हैं, जो आरआरबी पे फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है। ठीक है, और जो आरआरबी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो है नहीं, तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आरआरबी है उसमें कंपटीशन क्यों बाकी एग्जाम से ज़्यादा है। मैं ये बताना चाहता हूँ स्पेशली इन प्री। ठीक है, प्री में क्यों आरआरबी एग्जाम में बाकी एग्जाम से ज़्यादा कंपटीशन है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो लोग भी नए हैं या जो लोग जिनका भी आज तक कभी प्री नहीं निकला, जिनने अभी स्टार्ट ही किया है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आरआरबी में कंपटीशन ना ज़्यादा क्यों है। ठीक है, देखो आरआरबी में सबसे पहले मैं आपको कंपटीशन दिखाता हूँ। ठीक है, ये आरआरबी असिस्टेंट का मॉक था। ठीक है, जो मैंने अभी हाल ही में अभी अपलोड किया था, ये दो तीन दिन एक आध दिन पहले का मॉक है ये। ठीक है, जो लाइव आया था ऑल ईयर बोर्ड में। ठीक है, अगर आपने ये मैंने वीडियो डाला हुआ है लाइव सॉल्व करके, मैंने मॉक अटेम्प्ट किया था ये, तो आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं आई बटन में कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, आई बटन में डाल दूंगा लिंक। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, तो ये मेरा स्कोर था जिसमें मैंने 80 में से 80 किए थे, और मेरा 3 गलत हो गए थे। मैंने दिखाया था कि 3 गलत हो गए थे मेरे, जिसमें 2 रीजनिंग में गलत हुए थे, 1 क्वांट में गलत हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपटीशन, आप देखो ये मॉक लगभग 78,521 लोगों ने भरा है। ठीक है, अप्रोक्स 10 लाख लोगों ने आरआरबी क्लैरिकल का फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, तो 78,000 उसका 10% भी नहीं है। ठीक है, उससे भी बहुत ही कम है। ठीक है, करीब करीब 7.8% 7.85% है। ठीक है, 7.85% बच्चे जब ये मॉक लगा रहे हैं, तो मैं जिसने मैंने पिछले साल मैंने आरआरबी क्लैरिकल क्लियर किया था, आरआरबी पीओ भी क्लियर किया था, जिसको मुझे जैसे मेरे बंदे में जैसे मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं प्री में क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे प्री में इतना कोई सोचने की जरूरत नहीं, मैं प्री क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन मेरे जैसे कोई भी आरआरबी एग्जाम में, स्पेशली आरआरबी क्लैरिकल में बोलूँगा कि बहुत मार्जिन का खेल रहता है। देखो मैंने 80 में से 80 किया था, जिसमें से मेरे 76.25 स्कोर है, और मेरी परसेंटाइल 99.6 आई, बहुत सही लग रहे होंगे आपको। अब रैंक पे जाओ, 341 रैंक आई मेरी। चलो मान लेते हैं 40-50 इसमें से सब फेक वाले होंगे, जो फेक बच्चे होते हैं या जो फेकली अटेम्प्ट करते हैं 80 कॉपी करके गई, अगर उसको हटा भी दिया तो कहीं ना कहीं मैं 300 लोगों से पीछे हूँ। ठीक है, 300 लोगों से पीछे हूँ। 7.85% बच्चों ने मॉक दिया है, उसमें से मैं 300 बच्चों से फिर भी पीछे हूँ। तो आप देखो इसमें, देखो कंपटीशन कितना है। ठीक है, अगर अगर 10 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, ठीक है, जैसे मैं अपने स्टेट से पढ़ता हूँ, ठीक है, मान लो मेरे स्टेट से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे यूपी से पढ़ता हूँ, ठीक है, तो यूपी में मान लो कि 1 लाख बच्चों ने 1 लाख बच्चों ने यूपी से एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, और सीट कितनी है, सीट शायद जनरल की शायद 100 समथिंग है, तो 2000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, 20% कुछ होते हैं उसमें, तो 2000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। 1 लाख में से भी 2000 बच्चे सेलेक्ट करने में आप देख लो कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई है। ठीक है, 1 लाख बच्चे अगर अटेम्प्ट करते हैं और 2000 बच्चे अगर प्री में सेलेक्ट होते हैं, तो 98,000 तो बच्चे पहले ही बाहर हो गए। तो इसमें कंपटीशन पता चला, रेशियो देख लो कंपटीशन का किस हिसाब से है। ठीक है, 1 लाख में से सिर्फ 2% बच्चे सेलेक्ट होंगे, बाकी 98% जो है वो बाहर हो जाएंगे। यही चीज़, और इस आरआरबी में इसलिए कंपटीशन ज़्यादा भी है क्योंकि इसमें इंग्लिश सेक्शन नहीं है। ठीक है, क्वांट और रीजनिंग है और इंग्लिश सेक्शन नहीं रहता है, तो इसलिए भी कंपटीशन कहीं ना कहीं हाई रहता है। और ऊपर से वो तो बोलने वाली बात है, ठीक है, बट लेकिन आरआरबी में यूजली कंपटीशन इसलिए हाई रहता है क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं है पहला, और दूसरा आरआरबी क्लैरिकल का जो पेपर होता है वो ईजी रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी भी नीचे होगी तो आप कंपटीशन से बाहर। ठीक है, ऑब्वियसली 1 लाख में से सिर्फ 2000 बच्चे सेलेक्ट होंगे,
अब आप आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। यही बात, यही आरआरबी पीओ में भी है। ऐसा नहीं है सर आरआरबी क्लैरिकल में है, मैं देखता हूँ आरआरबी पीओ का कोई लाइफ टेस्ट मैंने दिया हुआ तो अगर कोई होगा तो इसमें एक तो अभी आया है, तो गाइज ये लाइफ टेस्ट भी आया हुआ, अटेम्प्ट जरूर करना। मैं जरूर हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ टेस्ट जरूर से जरूर अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। देखो बहुत सारे बच्चे देते हैं लाइफ टेस्ट, ठीक है, मैंने इसमें लाइफ टेस्ट हार्ड किया है, तो चलो मैं नंबर वन वाला दिखा देता हूँ। जैसे देखो जैसे नंबर वन वाला जो फ्री मॉक था, इसमें 1,28,000 बच्चों ने किया है, इसमें से मेरा रैंक जो है 2,347 दिख रहा है। देखो ये होता है कंपटीशन, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लैरिकल में दोनों है। आरआरबी क्लैरिकल में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इजी रहता है पेपर, और तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है, 70 बहुत सारे स्टेट में 75 प्लस कट ऑफ ही रहता है, जिसकी वजह से अगर आपकी एक दो भी अगर एक्यूरेसी सिली मिस्टेक आपने किया तो आप सीधे कॉम्पिटिशन से बाहर, ठीक है। तो यही मैं आपको यही बोलना चाह रहा था कि एक्यूरेसी और स्पीड आरआरबी क्लैरिकल में ज़्यादा मैटर करता है बाकी एग्जाम्स। अगर आपको आरआरबी क्लैरिकल में अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो आपको अपना टाइम, आपको अपना सेक्शन और आपको अपनी एक्यूरेसी तीनों लेके चलना पड़ेगा। आप कहीं पे भी अगर आप लैग करोगे तो आप, मैं आपको डिटेली बोल रहा हूँ, आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। अगर आपने स्पीड में लैग किया बाहर, एक्यूरेसी में लैग किया बाहर, और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया आप तो भी पेपर से बाहर। तो आरआरबी को सिलेक्ट करने का ये तीन फंडा दिमाग में चिपका लो, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड और एक्यूरेसी। ये तीनों में से अगर आपने एक को भी ढीला छोड़ा तो आपका पेपर चले जाएगा। आपको दो, अगर आपको 2% में, 1 या 2% बच्चों में सिलेक्ट होना है, मेंस एग्जाम देना है, तो आपको अपना ये तीन चीज लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपटीशन आप सामने देख रहे हो, ठीक है, कंपटीशन मतलब इतना हाई है कि आप आरआरबी एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। बच्चे यूजली एक्यूरेसी में बहुत खेलते हैं, मैं खुद एक्यूरेसी में खेलता हूँ कि क्योंकि देखो अटेम्प्ट तो मेरे जैसे मैंने 80 करे, बहुत दो 80 में से 80 कर चुके होंगे या बहुत दो 70 से 75 कर चुके होंगे, बट किसी किसी के 5 गलत, किसी किसी के 7 गलत, किसी किसी के 10 गलत, ठीक है, भले वो सिली मिस्टेक बोलो, भले वो लैक ऑफ प्रैक्टिस बोलो, कुछ भी बोलो। तो अगर आप 78 भी कर रहे हो और अगर आपके पूरे सही हैं तो आप कॉम्पिटिशन में हो, और अगर आप 80 भी कर रहे हो, आपके 5 गलत है, कॉम्पिटिशन से बाहर, ठीक है। तो एक्यूरेसी सबसे पहले तो देखो स्पीड, अगर आपकी स्पीड नहीं आएगी तो एक्यूरेसी का क्या करोगे? आप 60 क्वेश्चन कर रहे हो और आप 60 में 60 मार्क्स ला रहे हो पर आपको सिलेक्शन फिर भी नहीं होना है। सबसे पहले स्पीड, और स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी, और सबसे पहला चीज़ आपको टाइम मैनेजमेंट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक्स क्लियर कर लो, सब कर लो, अपने टेबल क्लियर कर लो, अपने मतलब अपने ये अर्थमेटिक सही कर लो, अपनी टेबल क्लियर कर लो, अपने शॉर्टकट्स क्लियर कर लो, तो आप स्पीड आपकी आ जाएगी। आप रेगुलर 3 से 4 मॉक लगाओ, देखो अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी भी 60 के इसमें आरआरबी क्लैरिकल की बात करो 60 में हो, और आरआरबी पीओ की बात करो 50 में हो, तो आपको खींचना पड़ेगा उसको, ठीक है, आपको खींचना पड़ेगा। आपको रोज 2 से 3 मॉक लगाने हैं और आपको उसमें देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो, अर्थमेटिक ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, सिंपल सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, सिंपल मैथ में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, किस में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। आपको टाइम, अगर आपको अर्थमेटिक आपकी वीक है तो आपको बाकी चीज़ें जल्दी करके आपको अर्थमेटिक में टाइम बचाना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से आपको अपना स्ट्रेटजी, अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं यही बोलूँगा, देखो मैंने लास्ट ईयर सारे प्री क्लियर किए हैं, तो आरआरबी का मैं आपको यही बोलता हूँ कि आपको जैसे देखो बाकी एग्जाम में क्या होता है, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक नहीं है तो आप क्वांट और रीजनिंग खींच लेते हो, तो आप इंग्लिश का टाइम मैनेज कर लेते हो, पर यहाँ पे इंग्लिश जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आपको सिर्फ रीजनिंग और क्वांट है जिसमें लोगों की एक्यूरेसी हमेशा ही अच्छी रहती है, ठीक है। जो मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, जो मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ ना, उनकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, ज़्यादा गलती नहीं होंगे, 2, 3, 4 इससे ज़्यादा गलत नहीं होते होंगे। वो एक्यूरेसी स्पीड तो उनकी होती होती है, वो एक्यूरेसी उनकी अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश है नहीं, अब इंग्लिश में एक्यूरेसी कुछ नहीं कह सकते, बट क्वांट और रीजनिंग तो ऑब्वियसली ना, हमने आंसर निकला तो आपने टिक करा, नहीं निकला तो छोड़ दिया,
ऐसा तो है नहीं, वो तुक्का लग रहा है, अच्छा हाँ ये हो सकता है, ये तो है नहीं। अगर आपका आंसर आपने सही फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर निकल गया रीजनिंग में, अगर आपने सारे, अगर आपके आंसर मैच हो गया तो आपके पजल सही है, पजल में सब बैठ गया तो आपका पजल सही है, आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर सही है गलत है, तो आप उसमें एक्यूरेसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप गलत करो, ठीक है। हाँ कोई कोई सिली मिस्टेक ऐसा हो जाता है कि हाँ मिसलिनियस में सिली मिस्टेक हो गया, या हल्का सा लॉक्स में सिली मिस्टेक हो गया, तो सिली मिस्टेक समझ में आता है, वो आपको सुधारना है, बट ये नहीं है कि आप 10-10 गलत कर रहे हो, ठीक है। तब तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर आप आपका गलत 10 में से 10 रेंज में आपका गलत है तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है गाइस। तो आरआरबी क्लैरिकल को क्लियर करने के 3 चीज दिमाग में जरूर रखना, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड और एक्यूरेसी। बिना इसके आप लिटरली एग्जाम से बाहर हो, आरआरबी क्लैरिकल से तो डेफिनेटली बाहर हो, ये एक कड़वा सच है, आपको ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा और अपनी तैयारी में रखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है गाइस। बाकी कोई क्वेरीज है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मैं टेलीग्राम चैनल का और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम में डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में अगर आप चाहो तो मुझे डीएम कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखना, अगर आपका सवाल, आपकी क्वेरीज मुझे जेन्युइन लगी, आपके एग्जाम से रिलेटेड लगी तो ही मैं रिप्लाई करने वाला हूँ, वरना मैं सॉरी बोल रहा हूँ अभी से मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, जबकि हेल्प कर रहा हूँ तो उस आप एक अकेले नहीं होंगे जिसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। आपके जैसे बहुत होंगे, तो मैं अगर अगर आपके जो जो भी फालतू सवाल पूछोगे आप, अगर मैं वो सवाल भी देते रहूँ तो कोई मतलब नहीं। बाकी आधा जवाब तो आपको मेरी वीडियो देख के मिल जाएगा, मैं हर जगह बोलता हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ, ठीक है, कि मैं किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरा किस तरीके से मेरा अटैम्प्ट यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है, मैं वो हमेशा शेयर किया हुआ है। अगर मेरी वीडियो पूरा नहीं देखते तो गलती है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सिर्फ स्कोर देखते हैं मेरी वीडियोज़ के और चल जाते हैं, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं पहले 20 मिनट रीजनिंग को देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी 20 मिनट में क्वांट को देता हूँ, उसके बाद लास्ट के 5 मिनट में डिसाइड करता हूँ कि मैं कौन से पोर्शन में स्किप करूँ, ठीक है। मेरा हमेशा यही स्ट्रेटेजी रहा है कि मैं पहला 20 मिनट रीजनिंग को देता हूँ, चाहे मेरी रीजनिंग में 10 अटैम्प्ट करें या मैंने 40 में 40 कर दिए, मैं पहला 20 मिनट के बाद मैं रीजनिंग को स्किप करके मैं पॉइंट में जाऊँगा जाऊँगा, ये मेरा स्ट्रेटेजी है। चाहे मेरे को रीजनिंग में मैं फर्स्ट हूँ, चाहे मैं पूरा कर दूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले 20 मिनट में मैं रीजनिंग में स्किप करने के बाद मैं पॉइंट पे जाता हूँ, ठीक है। ये मेरी हमेशा स्ट्रेटेजी रही है, मैंने हमेशा से बोला हुआ है बच्चों को वीडियोज में, और बच्चे क्या करते हैं सिर्फ स्कोर्स देखते हैं, सिर्फ मेरे स्कोर्स देखते हैं, मेरे से कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, कम्पीट से कोई मतलब नहीं हुआ, आपको मेरे से कम्पीट नहीं करनी, आपको लाखों बच्चों से कम्पीट करनी है जो आपकी तरह एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। आपको एक जगह लेनी है अपनी जॉब के लिए, तो मेरे से कम्पीट करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप अपने अपने से कम्पीट करो, आज आप 50 मार्क्स ला रहे हो तो कल आपको 60 मार्क्स लाना है, आप कैसे लाओगे ये आपके ऊपर, ठीक है। चलिए गाइस, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी आरबी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो मुझे लगा था कि एग्ज़ाम ये बनाना वीडियो ज़रूरी है, बाकी मेंस के लिए भी मैं जल्दी वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।